सबको जय धर्म। मेरा नमस्कार, मेरा इस चैनल में कुरुक सीखने के लिए सभी को स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डेली यूज सेंटेंस का चौथा भाग सीखेंगे और देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत लोग जोड़ सके हम लोग के साथ कुरुक सीखने के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो ये है पहला सेंटेंस, आप देख लीजिए। वेरी हैप्पी टू मीट यू, तो मतलब हिंदी में बोलेंगे आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। अपना क्लॉक धुरी बहुत भार लगी। तो इसको कुरुख में क्या बोलेंगे? निघे गने भेंट माना अकाय रिज या दाव लगिया। तो निघे गने भेंट माना अकाय दाव लगिया या अकाय रिज, अकाय रिज लग गया। तो इसको तोरंग सीखी में ये देख लीजिए। तो अगला सेंटेंस है वी मेट आफ्टर लॉन्ग टाइम। इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग बहुत दिन बाद मिले, हिंदी में। और आसामीज में आमी बहुत दिनों पिछत लोग पालू। तो इसको कुरुख में कैसे बोलेंगे हम लोग? नाम अकाय उल्ला होहा भेंट मंजकार। नाम अकाई उल्ला होखा भेंट मंजकार। तो इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये तो लोग सीखी में, तो देख लीजिए। तो अगला सेंटेंस है तीन नंबर में, स्टे बैक प्लीज, थोड़ा रुको ना, हिंदी में। और असम इसमें बोलेंगे ओलप रोबो, थोड़ा रुकने के लिए बोल रहे हैं हम। तो इसको कुरुख में कैसे बोलेंगे? उड़ूंग इज आ से, उड़ूंग इज आ से। तो इसको हिंदी इंग्लिश में ऐसे लिखा है और ये तो सिक्की में लिखा हुआ है, तो देख लीजिए। तो फिर से अगला सेंटेंस है चार नंबर में, ओके वी विल मीट अगेन। अच्छा हम लोग फिर मिलेंगे। तो उसके बाद है असमिस में भले आमी आरो लोग पाम। तो इसको कुड़ुक में क्या बोलेंगे? दाव नाम फिन भेट मानोत। दाव नाम फिन भेट मानोत। तो इसको यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो ये तुरंत सिक्की में है, तो देख लीजिए। तो और अगला सेंटेंस है पांचवा नंबर में, हु इज एट द डोर। हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। आसामीस में दुआरो कौन आसे बा कौन है आसे। दुआरो कौन आसे बा कौन है आसे। तो इसको कुड़ुख में क्या बोलेंगे? बाली गुसन ने रही, बली गुसन ने रही। तो इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है बली गुसन ने रही, और ये तोलो सिक्की में बली गुसन ने रही। तो अगला सेंटेंस है काम इन साइड। काम इन साइड मतलब अंदर आ जाइए या भीतर लोय आहा भीतर लोय आहो। तो इसको कुरुख में कैसे बोलेंगे?
उल्ला या भीतरे, इन दोनों का एक ही मीनिंग है, उल्ला या भीतरे। बारा यह स्पेशली मेल के लिए यूज किया जाता है, भीतरे बारा या उल्ला बारा, तो इसको मेल के लिए, जैसे कि किसी लड़का को हम घर के बाहर है तो उसको अंदर बुलाएंगे तो ऐसा बोलेंगे भीतरे बारा या उल्ला बारा। तो किसी लड़की को या फीमेल को तो क्या बोलेंगे, उल्ला बाराई या भीतरे बाराई। तो इसको ये उल्ला या भीतरे बारा या बाराई, उल्ला बारा उल्ला बाराई। हाँ ये भीतरे बारा और बाराई। तो अगला सेंटेंस है, हाउ इज योर पेरेंट्स, हाउ इज योर फादर एंड मदर। तो हिंदी में आप आपके माता पिता कैसे हैं और असमिस में अपना माता पिता कैसे हैं, तो इसको कुरुख में कैसे बोलेंगे, निंग्यो निम्बर एकाविसे रत्नार, निंग्यो निम्बर एकाविसे रत्नार। तो इसको तोलोंग सिक्की में ऐसे लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो अगला अगला वाक्य है, फाइन दे आर दे रिमेम्बर्स यू, फाइन दे रिमेम्बर्स यू, वे ठीक है आपको याद करते हैं। तो इसको असम इसमें बोलेंगे, देखे भले आसे अपना मनोत पेलाय। तो इसको कुरुख में हम लोग बोलेंगे, आर कोडेम रत्ना निंगन याद नन्ना, आर कोड़े रहना निंगन याद नन्ना। तो इसको तोलोंग सिक्के में आर कोड़े रहना निंगन याद नन्ना। तो ये है, देख लीजिए।
तो अगला सब आप अगला सेंटेंस है यस्टरडे आई रिमेम्बर्ड यू अलॉट यस्टरडे आई रिमेम्बर्ड यू अलॉट तो इसको हिंदी में कल आपकी बहुत याद आई कल आपकी बहुत याद आई और इसको असमीस में बोलेंगे काली अपना बहुत मनत पड़ेल तो इसको कुरुख में बोलेंगे क्या चेरो निघाई अकाई यही बरचा चेरो निघाई अकाई यही बरचा तो इसको चेरो निघाई अकाई यही बरचा तो ये तो हो सके में देख लीजिए अच्छे से और अगला सेंटेंस है तो अगला और आखिरी सेंटेंस है 10 नंबर का सॉरी आई कुड नॉट कम यस्टरडे तो इसको हिंदी में क्षमा कीजिए कल मैं नहीं आ सका क्षमा करिबो काली मैं आइबो परा नाय तो इसको कुरुख में क्या बोलेंगे धप्पी धप्पी ननके चेरो एन बारा पुलकान धप्पी ननके चेरो एन बारा पुलकान तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है दप्पी नन के चेरन बारा पोकन और ये तोरंग सिटी में लिखा हुआ है अच्छा से देख लीजिए तो आज के लिए बस इतना ही है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और जो भी इस वीडियो के लिए नए हैं इस चैनल में नए हैं तो
वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को धन्यवाद और नमस्कार।